नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश अनुभव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। यूपी के सभी तहसीलों पर सपा का विशाल धरना प्रदर्शन। ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में धांधली व बढ़ती महंगाई सहित कई मांगों को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। लखनऊ की तहसीलों में स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी ने संभाला मोर्चा। सपाइयों के धरना प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल हुई मुस्तैद। समाजवादी पार्टी ने कोई आज प्रदर्शन नहीं किया है। डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हुए माननीय नेताजी के आशीर्वाद से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती चली आ रही है। हमेशा गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उसी कड़ी में आज एक बार फिर से हमारे नेता आदि जनाब अखिलेश यादव जी ने एक बार फिर से पूरे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके तहत हर जिले की हर तहसील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, नौजवानों को जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का काम किया था। वो ज्ञापन जिसमें दलितों पिछड़ों की आवाज़ थी, जिसमें गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों पिछड़ों की आवाज़ थी, वंचितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ थी। जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जिस तरह से आजम साहब को बेवजह मुकदमों में फंसा करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है, उसके साथ साथ उनके बेटे को भी जेल में रखा गया है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो जब भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तब उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जाता है, और हमारे तमाम हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया है उन तमाम मुद्दों के खिलाफ। क्योंकि हमारे किसान भाई लगभग 8 महीने से भी ज़्यादा हो गया है वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने जो काले कानून लगाए गए हैं, जो लागू किया गया है उन तमाम काले कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आज प्रदर्शन किया गया है आप लोगों द्वारा, क्या मांग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये योगी राज में जिस तरह का जंगल राज के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन हो रहा है। ये लड़ाई उनकी है जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी जाने जाते हैं, ये लड़ाई उनकी है जिनके बेटे सड़कों पर मारे जा रहे हैं नौकरी मांगने के नाम पर, ये लड़ाई उनकी है जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ना चाहते थे उनका पर्चा दाखिल नहीं किया गया, ये लड़ाई उनकी है जिनकी बेटियां पुलिस सरेआम रात में जला देती है और उनसे पूछा भी नहीं जाता, ये लड़ाई उन छात्रों की है जो फीस मांगने के नाम पर, नौकरी मांगने के नाम पर सरेआम सरकार में पीटे जाते हैं या गालियां देकर उन पर मुकदमा लगाया जाता है।